वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने प्रॉपर ट्रेडिशनल डाला हुआ है, ठीक है, विद दुपट्टा। और ये तो आज कुछ ऐसा ही मैं लेकर के आई हूँ। आज मैं सिंपली, ठीक है, होता है ना कि न्यूली ब्राइड जो होती हैं वो उनको पूरा दिन अच्छे से रहना होता है, एकदम पन ठन के, कभी भी कोई भी आ देखने के लिए। तो आप सिंपल लुक, सिंपल हेयर स्टाइल कैसे कर सकते हो पूरा दिन, ठीक है। कोई मैंने ज़्यादा यहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, मेकअप मतलब कि ज़्यादा हैवी चीज़ें यूज़ नहीं कर, आराम से कैरी कर सकते हो। बहुत लाइट मेकअप मैंने यूज़ किया है, ठीक है, और आपकी स्किन को भी कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कुछ ज़्यादा ही हैवी मेकअप करो या मेकअप अच्छा होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेकअप बहुत मतलब अच्छा है, ठीक है, ओकेजनली करो हैवी मेकअप तो अच्छा लगता है, बट आप डेली डेली करो, थोड़ा लाइट ही करो, ठीक है, थोड़ा अपना बस ये है कि हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं करा है मेकअप इसमें आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रॉपर अपना स्किन केयर कर लो, जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन है, ठीक है, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर जो भी अच्छे से अप्लाई कर लो। और अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई प्राइमर, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, आपको लगाते ना एकदम से इतनी अच्छी फिनिश देता है कि इनके संग नहीं है ज़्यादा मेकअप करने का मन, तो सिर्फ इसको सिंपली अप्लाई करके आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा ग्लो आता है इससे एकदम से, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ये अप्लाई करने वाली हूँ अच्छे से, जहाँ पे आपके पोर ज़्यादा हैं उनको ब्लर आउट करने के लिए आप उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर लो, बाकी आप अपना देख लो। तो मेरा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिक साइड पे मैंने ज़्यादा अप्लाई किया है, बाकी मैंने नॉर्मली हल्का सा, और सिर्फ इसको अप्लाई करने से देखो कितना अच्छा ग्लो आ गया है। तो अभी समर्स हैं, जैसे कि हमको पता ही है समर्स चल रहे हैं, तो हमें ज़्यादा हाइलाइटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली अगर ये लगाएंगे तो इससे भी हमारा अच्छा खासा ग्लो आ जाएगा। और अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ बीबी क्रीम, ठीक है, सॉरी बीबी, हाँ सीसी क्रीम है ये लैक्मे की, और मैंने छोटा सा ट्यूब है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो ये ऐसे डॉट करके अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से इसको डॉट कर सकते हो प्रॉपर शेप में, पर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो उसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे अपने फोरहेड पे, प्रॉपर पूरे फेस पे, और साथ में हम यहाँ पे नेक पे भी थोड़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये जो ब्लेंडर मैंने लिया है, ये मैंने इसको अच्छे से वेट करके स्क्वीज़ कर लिया है, उसके बाद में इसको अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इससे बहुत स्मूथली अप्लाई हो जाता है, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब नहीं करता जो आपका फाउंडेशन और जो मैंने लगाया है हैप्पी सीसी क्रीम, ठीक है, वो रहेगा आपके उस पर, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, बहुत ही अच्छी स्मूथ फिनिश देता है। और इसको थोड़ा सा हम एयर साइड पे भी करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, और देखो ऐसे ही कितना कुछ खास अप्लाई नहीं किया है, जस्ट प्राइमर और ये बीबी क्रीम, ठीक है, उससे ही कितना अच्छा ग्लो आ गया है। तो फाउंडेशन ऑब्वियसली डेली डेली क्या अप्लाई करना। अब मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ लैक्मे का लूज़ पाउडर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई ब्रश वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि होता है कि ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपके पास तो आपको ख़रीदने हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उससे भी मेकअप ही कर सकते हो, बहुत लाइट सा लुक। तो मैंने हल्का सा, क्योंकि समर है तो थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा ना सेट करने के लिए पाउडर मैंने यूज़ किया है। और अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे, मेरा ये है आई शेडो पैलेट, इसमें ब्लश भी है और दो तीन आई शेडो है, ये स्विस ब्यूटी का है। तो यहाँ पे मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और अगर जिसको नहीं करना है वो स्किप कर सकते हैं, पर हल्का सा टच देना मतलब अच्छा लगता है थोड़ा। और अभी मैं यहाँ पे भी कोई ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं सिंपली फिंगर टिप से देखो आप, यहाँ पे हल्का सा ब्राउन शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ के ऊपर। और अभी मैं यहाँ पे करने वाली हूँ अपनी आईब्रोज, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आईब्रो देखो कितना मतलब होता है ना, एकदम से आपका फेस लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अभी लाइनर है मेरा नेक्स्ट स्टेप, और ये मैंने बहुत ही पतला सा, बहुत ही प्रिसाइज लाइनर लगाया है, आईलाइनर लगाया है, ठीक है, ज़्यादा मैंने बहुत मोटा थिक नहीं करा है इसको। और अभी मेरा है लिपस्टिक, ये मेरा है मेबेलिन का मैट, तो ये हो गया है, मैंने बहुत ही लाइट हल्का सा डैब डैब करके इसको लगाया है। और फिंगर्स से मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ किसी भी मेकअप के बाद, उसको हल्का सा नेचुरल टच देने के लिए, प्रॉपर मर्ज करने के लिए। तो विदाउट फिंगर यूज़ किए मेरा तो लगता नहीं कोई मेकअप पूरा कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी हल्का सा टच दिया है। तो ये ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है कम्प्लीट, अभी बचा है हमारा बिंदी। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर की बिंदी बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सब पिंकी पिंकी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ ब्लू कलर की बिंदी। तो ये देखो सिर्फ बिंदी लगाने से ही पूरा लुक कितना कंप्लीट लगने लगा है ना, एक अलग सा ही होता है ना कि एकदम से संस्कारी टाइप्स तो वही, तो एकदम से बिंदी से पूरा ही लुक चेंज हो जाता है। तो अभी हम करेंगे हेयर स्टाइल, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा आपको यहाँ पे साइड से थोड़े से बाल लेने हैं, अगर आपको सेंटर करना है सेंटर कर सकते हो, यहाँ पे मैं साइड पफ करने वाली हूँ, ठीक है, साइड में सारे बाल लेकर हम इसको ट्विस्ट करेंगे।
और आप यहाँ पे टिक टिक जो पिंस होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज कोई डिज़ाइनर पिन है कुछ आप फैंसी यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ब्लैक कलर के मैंने टिक टिक यूज़ किए हैं और यहाँ पे बस दो ही टिक टिक में काम हो जाएगा। तो ये हो गया है बाल सेट। आपके जो भी फ्लिक्स वगैरह हैं, आप साइड हैं या हाफ हैं, जो भी हैं आप उसके एडजस्ट कर लो, नहीं है तो आप साइड से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया है लुक रेडी, और कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट सा है जो आप डेली मतलब डेली कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो डन। आप भी ट्राई कर सकते हो यार, बहुत ही लाइट है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इतना, क्योंकि दुपट्टा भी बहुत लाइट है। कुर्ती इसका मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ आज ही शॉपिंग हॉल में, ठीक है। अगर किसी को अच्छा लगा हो तो आप बाय कर सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूँगी इसका भी, इनकेस अगर आपको दुपट्टा आप आराम से, यार ये सिंपल दुपट्टा है, मैंने प्रॉपर सूट नहीं है, मैंने इसको मिक्स मैच किया हुआ है, ठीक है। तो आप इजीली अपने हिसाब से, क्योंकि समर्स है, लाइट कुर्ती लाइट दुपट्टा, और देखो ईयरिंग्स भी मैंने लाइट पेयरअप किए हैं विद दिस ड्रेस, क्योंकि होते हैं ना पूरा दिन आपको लेना है तो आप हैवी ईयरिंग्स तो ऑब्वियसली नहीं कैरी कर पाओगे, तो जो भी आपके पास गोल्ड ईयरिंग्स हैं वो कैरी कर सकते हो गोल्ड, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल आपका मन है कुछ मैचिंग मैचिंग पहनने का तो हल्के से पहन लो, ताकि आपको भी मतलब ये नहीं लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, निकालना है अभी, करना है करना है वो करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी मैंने लाइट से ही डाले हुए हैं ईयरिंग्स, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक गोल्डन बैंगल साथ में मैंने इसके कैरी करी है, ठीक है। आप जो भी आपका आज की चूड़ियाँ जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड, बाय बाय।